बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि साइट मैप एक्चुअली क्रॉलर्स को फैसिलिटेट करता है आपके तमाम पेजेस तक पहुंचने के लिए। व्यूअर्स, यहां आप देख रहे हैं कि ये एक वेबसाइट है वॉल्स कॉर्नर डॉट कॉम, जो कि वॉलपेपर्स की वेबसाइट है। उसके बॉटम में फुटर एरिया में आप देख रहे हैं कि साइट मैप का लिंक मौजूद है। अगर हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो व्यूअर्स आपके सामने ये स्क्रीन पर जो है वो एक मैप जनरेट हो गया है। ये वो पेज है व्यूअर्स एक्चुअली जो कि क्रॉलर को जो है नज़र आएगा। ये डिफरेंट लिंक्स हैं जो कि डिफरेंट पेजेस तक जो है वो रसाई दे रहे हैं क्रॉलर को। व्यूवर्स, अब हम देखते हैं कि हम किसी भी वेबसाइट का साइट मैप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। व्यूवर्स, वेबसाइट्स में आपको फ्री बहुत सारे ऐसे टूल्स मिलेंगे सर्च इंजन पर सर्च करने पर, जिनकी मदद से आप XML साइट मैप फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिएट कर सकते हैं। व्यूवर्स, एक ऐसी ही वेबसाइट है xml-sitemaps.com। इस वेबसाइट पर व्यूवर्स अगर आप देखें, यहाँ पर हम किसी भी वेबसाइट का अगर लिंक एंटर करेंगे तो ये उसका एक साइट मैप क्रिएट करता है। मिसाल के तौर पर मैं peachtreetutor.com का जो है वो साइट मैप क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे एंटर करूँगा peachtreetutor.com चेंज फ्रीक्वेंसी। व्यूअर्स, अगर आप अपनी वेबसाइट को बहुत रैपिडली चेंज करते हैं, यानी आप डेली बेसिस पर अपनी वेबसाइट में कोई चीज़ ऐड करते हैं, तो यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी ऑलवेज कर लेंगे। अगर आपका लगता है कि मैं हर तकरीबन एक घंटे के बाद अपने साइट पर कोई कंटेंट ऐड करता हूँ, तो ओवरली कर लेंगे। इसी तरह से आप जितने फ्रीक्वेंटली अपने वेबसाइट को जो है अपडेट करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी आप यहाँ से सेट कर लेंगे। और उसके बाद व्यूवर्स, बाकी किसी सेटिंग को छेड़े बिना अगर आप स्टार्ट के बटन पर क्लिक करें और आपकी वेबसाइट 500 पेजेस तक की है, तो व्यूवर्स आपका एक XML साइट मैप जो है वो क्रिएट होके वो सेव हो सकता है। और उस सेव किए हुए साइट मैप को आप लेटर ऑन अपने वेब सर्वर पर अपलोड करके उसका एक लिंक अपने मेन पेज पर फुटर एरिया में जनरेट कर सकते हैं, या हेडर एरिया में भी जनरेट कर सकते हैं, जहाँ से कि क्रॉलर उसको एक्सेस कर लेंगे। तो इस तरह व्यूवर्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक नॉर्मल साइज की वेबसाइट का साइट मैप को क्रिएट कर सकते हैं।